व्हाट, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया है? क्या बात है यार, बड़े गट्स चाहिए ऐसा करने के लिए, तो इतनी हिम्मत कैसे आई, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई एम श्योर कि अगर आप एक लड़की हो एंड आपने बाय चांस अपने पार्टनर को प्रपोज किया होगा तो आपको ऐसे शॉक्ड रिएक्शन जरूर सुनने को मिले होंगे। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द बिग डील अबाउट इट। द एक्ट ऑफ प्रपोजिंग टू समवन शुड नॉट बी लेबल्ड एज अ गाइज जॉब, एंड एज अ गर्ल आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए इन टेकिंग दैट स्टेप, बिकॉज वाई नॉट। हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं सो वी शुड एक्चुअली मीन इट। Traditions are beautiful and it does feel great when your boyfriend proposes to you, but it is perfectly all right for a girl to propose to a guy. But in case you're not that confident about how to go with it, here are few important things to consider before you pour out your heart to the man you love. Here's the list of things that you can consider. Pehla hai making the big decision. Before you start planning, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है उसका reaction. आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहां आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले। सो टेक हिज पर्सनालिटी एंड व्हाट ही'ड बी मोस्ट कंफर्टेबल विद इनटू अकाउंट। फॉर एग्जांपल, एक आउटगोइंग इंसान पब्लिक प्रपोजल अप्रिशिएट कर सकता है, व्हाइल समवन ऑन द शाय साइड मे प्रेफर अ प्राइवेट सेटिंग। आप ये भी सोचना कि क्या आपने पहले कभी शादी की बात करी है एंड आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स कैसा रहा है इस टॉपिक को लेकर। Some men will be delighted to be taken by surprise, but some might not. So communication is a strong component in any relationship. अगर आप दोनों ने life साथ में spend करने का discussion किया हुआ है and you're confident कि result आपके favor में आ सकता है, then plan to propose in a way that'll be memorable for both of you. फिर है the perfect time and place. ये ऐसा move है which involves a lot of sentiments. तो आप कोई crowded जगह like shopping malls, coffee shops and theaters etc. pick करना avoid कर सकते हो, because proposing at a crowded place may put both of you in an awkward situation. तो ऐसी जगह choose करो जो थोड़ी quiet हो, like a garden, beach, park etc. so that आपको थोड़ी privacy मिल सके. आप कोई meaningful जगह भी choose कर सकते हो, like the place you first met, a place where you guys went on a date etc etc. इसके साथ साथ परफेक्ट टाइम का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज चूजिंग एन अप्रोप्रिएट डे टू टेल योर फीलिंग्स विल मेक प्रपोजिंग इजियर। आप स्पेशल डेट्स पिक कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली 14th February, यू कैन चूज हिज बर्थ डेट, न्यू ईयर्स ईव, क्रिसमस ईव या फिर कोई और फेस्टिव ओकेजन, क्योंकि कोई मीनिंगफुल डेट चूज करने से आपका प्रपोजल थोड़ा स्पेशल जरूर बन सकता है। नेक्स्ट इज मेक इट मेमोरेबल फॉर देम। ये थोड़ा क्लीशे साउंड करेगा बट ट्रस्ट मी, ओल्ड स्कूल मेथड्स थोड़े चीजी जरूर लग सकते हैं बट आर स्टिल कंसिडर टू बी वेरी रोमांटिक। इट जस्ट गिव्स यू अ चांस टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन द मोस्ट क्रिएटिव वे पॉसिबल। आप उनको बता सकते हो कि पहली बार कब आपको ऐसा लगा दैट यू इन लव विद हिम, टेल देम अबाउट व्हाट यू लव द मोस्ट अबाउट देम एटसेट्रा एटसेट्रा। मेक श्योर कि आपका प्रपोजल पैशनेट एंड रोमांटिक हो, फोर्स नहीं लगना चाहिए, एंड व्हाइल डूइंग इट जस्ट बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर फीलिंग, से इट आउट लाउड एंड क्लियर टू देम। फिर है बी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन चीजों की बात मत करो दैट डू नॉट मैटर, क्योंकि उससे आपका फोकस मेन टॉपिक से शिफ्ट हो सकता है एंड यू माइट इंडल्ज इनटू अनदर कॉन्वर्सेशन एंड माइट एंड अप ड्रॉपिंग योर प्लान। बी एज कॉन्फिडेंट एज यू कैन, बिकॉज इन केस आप अनश्योर हो या पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कोई बहुत क्रिएटिव वे मत चूज करो। यू शुड रादर स्टिक टू द सेफ क्लासिक वे विच इन्वॉल्व्स रोमांटिक कोट्स एंड पोएम्स। मे बी द बेस्ट प्रपोजल इज द सिंपलेस्ट वन ऑफ ऑल, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट एंड गो फॉर इट। फिर है गेट इनटू द शूज ऑफ द गाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता रहेगा हाउ ही विल फील व्हेन यू प्रपोज टू हिम। मेक एन एफर्ट टू गेट टू नो हिज फेवरेट इंटरेस्ट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ एंड सो ऑन टू प्लान इट राइट, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी, टेम्परमेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में आपसे अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता। क्रिएट गुड थॉट्स बिफोर यू प्रपोज टू हिम एंड ट्रस्ट योर गट्स। Along with all these points, it's important to understand कि हर couple की chemistry and romance का definition अलग होता है. So choose a proposal way that defines your personality as a couple. And remember, taking the first step is always better than taking no step. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.